नरेश मिश्र दत्ता, रेकी मास्टर टीचर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो मैं 100% गारंटी देके बता सकती हूँ कि आपके लाइफ में ज़रूर काम आएगा। मैं जो ये बताने जा रही हूँ इसके लिए मैं भी बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इनके बारे में शेयर कर पा रही हूँ। इनके बारे में मैं कुछ और बताने से पहले सबसे पहले आपको इनका फोटो दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले लैमिनेट करवाई थी अपने लिए ताकि मैं इनके पास अपना जो प्रेयर्स है वो रख पाऊँ, और मैं ये बताने में बहुत 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 खुश महसूस कर रही हूँ कि मेरा जो भी प्रेयर्स है वो इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से 3 से 4 दिन के पहले ही पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से 2 दिन लगा था इनके पास में जब प्रेयर्स अपना रखी थी तो पूरी तरह से मुझे जो भी चाहिए था वो मिल गया है। और आप मेरे चेहरे पे जो हंसी है वो देख के तो महसूस कर ही सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो कितना परसेंट सही है और सच है। तो अब मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले इनके नाम के साथ कि इनका नाम है सेंट एक्सपेडिट। ये एक ऐसे संत थे जिनके पास हम जब भी कुछ प्रे करते हैं हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। मगर एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि चाहे आप कुछ भी मांगे उनके पास, मगर जो आप मांग रहे हैं वो विश प्रैक्टिकल हो, और साथ ही आप ये देखिए कि जो आप विश कर रहे हैं वो दिल से हो, कि वो आपके अंदर से आ रही है कि आपको ऐसा चाहिए, वो चीज़ दिल से आपको चाहिए, उसमें किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान के पास कुछ मांगते हैं तो वो दिल से मांगते हैं। अगर भगवान को ये पता लगे कि उनमें लालच भरा है उस मतलब मांग में, तो वो कैसे पूरा हो सकता है, आप ही कहिए। तो जब भी आप कुछ मांगें तो आप देखिए कि वो प्रैक्टिकल हो और पूरी तरह से दिल से हो। मैं एक और वीडियो में कुछ दिन बाद बनाऊंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी उन सब की बातें जिन्होंने सेंट एक्सपेडिट को ऐसे बुलाए हैं दिल से, और उनके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है जो मैं एक्चुअली बताने जाऊँ भी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी बात है। मैंने उनका आंसर दिया है अपना ग्रुप में, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी और स्क्रीन में दिखाऊँगी भी। तो आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि ये रिचुअल कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल रिचुअल है, जहाँ पे कोई आपको बहुत धूमधाम से पूजा पाठ की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या ज़रूरत है आपको, एक कैंडल, बस एक रेड कैंडल और एक ग्लास पानी। और जो पिक्चर आपको दिखाई हूँ कुछ देर पहले, वो पिक्चर, ये पिक्चर आपको आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगा। अगर आप सेंट एक्सपेडिट बोल के सर्च करें गूगल पे, आपको ढेर सारी पिक्चर्स मिल जाएगी। तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक फ़ोटो को डाउनलोड करें और इसे लैमिनेट करवा लीजिए। आप लैमिनेट करवा के इसे जहाँ आप चाहे, एक साफ़ सुथरी जगह हो बस, वहाँ पे आप रख दें। वहाँ पे आप चाहे तो एक ऑल्टर बना लीजिए, एक लाल कपड़ा बस बिछा दीजिए, एक साफ़ सुथरी लाल कपड़ा आप बिछा दीजिए, उस पर आप ये फ़ोटो रखिए, और साथ ही आप एक ग्लास में पानी रखिए और एक जगह पे आप वो कैंडल रखिए। लाल कैंडल हो तो सबसे बढ़िया है, मगर जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं मिला, मुझे कहीं भी लाल कैंडल नहीं मिला। इसीलिए मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ जो वाइट वाला जो नॉर्मल कैंडल है वही लगाती हूँ। अब देखिए, मैं आपको वो सारी चीज़ बता रही हूँ जो उनको पसंद हो, मगर ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर उनका पसंदीदा चीज़ आप ना दे पाए तो आपका विश पूरा नहीं होगा। कोई भी विश आप मन से चाहे, दिल से चाहे, वो पूरा होता ही है। मगर इनका जो फेवरेट चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये रिचुअल के लिए वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको जैसे मैंने कहा, ये फ़ोटो रखना है, आपको कैंडल रखना है और आपको एक ग्लास पानी रखना है। उस ग्लास का जो पानी है वो आप नहीं पीजिएगा, वो सातों दिन का ये रिचुअल है। आपको लगातार 7 दिन तक इसे करना है, और 7 दिन तक वो पानी वैसा ही रहेगा, बस आप उसे ढक कर रख दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। वो पानी जैसा का वैसा ही रहेगा। हर रोज़ एक कैंडल आप जला दीजिए, और जब 7 दिन हो जाएगा वो पानी को आप लेके आप कोई पेड़ के नीचे डाल दीजिए, और जो कैंडल का जो लास्ट दिन में जो रिमेनिंग जो रेसिडुअल जो बचेगा,
जो वैक्स रह जाएगा वो भी आप वो पेड़ के नीचे डाल दीजिए पानी के साथ साथ, आपको और कुछ नहीं करना है। जब आप रोज़ ये रिचुअल कीजिएगा, जब रोज़ आप वो कैंडल को जलाइएगा, आपको मन में उनके पास प्रे करना है, जो भी आपका विश है आप प्रे कर सकते हैं। पैसों के लिए अगर आपको चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत मुसीबत में है, कोई चीज़ का लेके आपको कुछ मतलब ख़रीदना है, किसी चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप वो पैसा भी सेंट एक्सपीडिट से कह सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, जब भी आप दिल से उससे मांगेंगे और जो ड्यूरेशन आप उसने देंगे कि 10 दिन, 7 दिन, 1 महीना, वो आपका पूरा होगा ही। आप रोज़ ये प्रेयर जो मैं आपको ऐसे स्क्रीन में शेयर करूँगी अभी, वो प्रेयर भी आप रोज़ जब प्रे कीजिएगा, हो सके तो वो प्रेयर भी आप बोलिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो प्रेयर बोलने में तो मत बोलिए, दिल से बस प्रे कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रेयर में जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं है। जो दिल से हमारा आवाज़ आती है उसमें जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं है। एक्सपेडिट यू ले इन रेस्ट, आई कम टू यू एंड आस्क दैट दिस विश बी ग्रांटेड। Now mention your urgent request and seek for his health, love and blessings. Now again start with the prayer. Saint Expedite, now what I ask of you. Saint Expedite, now what I want of you. This very second. Don't waste another day. Grant me what I ask for. I know your power. I know you because of your word. I know you can help me. Do this for me, and I will spread your name with love and honor so that it will be invoked again and again. Expedite this wish with speed, love, honor, and goodness. Glory to you, Saint Expedite. Thank you. सेंट स्पिरिट का जो मैं आपको रिचुअल बताई हूँ जस्ट, वो आप ठीक जैसे मैंने बताया है वैसे आप कीजिए, देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। आई एम श्योर कि अगर आप रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, शेयर करना चाहे कमेंट बॉक्स में, तो मेरा कमेंट बॉक्स पूरा भर जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपना कुछ विशेस लेके, और साथ ही मैंने ग्रुप से, मेरा जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैं इस बात को देख चुकी हूँ कि हज़ारों लोगों को कैसे मदद मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपका विश पूरा हो जाए तब आपको एक काम करना है, उनके बारे में आपको सबको बताना है, ताकि दूसरों को भी इनके बारे में जानने का मौका मिले, उनके लाइफ में भी जो भी समस्या है वो भी उनके पास बोल सके। बस आपको उनका नेम स्प्रेड करना है, सेंट एक्सपेडिट का नाम को स्प्रेड करना है सबके बीचों बीच, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से करें, यूट्यूब में करें, यहाँ कमेंट बॉक्स में आके लिखें, आप किसी भी तरह बस उनके नाम को स्प्रेड कीजिए। और उनका जो फेवरेट है पेस्ट्री रेड रोज़, आप वो उन्हें ऑफर कीजिए, ऑफरिंग में आप उन्हें ये सब दे सकते हैं। और इनके सब को नहीं दे पाए, रोज़ मान लीजिए नहीं मिला, पेस्ट्री नहीं मिला, तो आप क्या करें, आप किसी को, कोई नीडी पीपल जो है, मतलब जिनके जो गरीब है, जिनके पास कुछ ना हो, आप कोई ऐसे एनिमल हो जो मतलब डॉग हो, कैट हो, किसी को भी आप खिला दीजिए, भरपेट खिला दीजिए। जो सेंट एक्सपेडिट ने आपका विश को, मन्नत को पूरा कर दिया है, उसके बदले में आप भी उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप पेस्ट्री उन्हें ऑफ़र करें तो वो पेस्ट्री आप कौवा को खिला दीजिए, कोई डॉग को खिला दीजिए, कुत्ते को। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पेस्ट्री देते हैं ना, तो डॉग को ना खिलाए तो ही अच्छा है, क्योंकि डॉग्स एंड कैट्स को मिठाई जब आप देते हैं ना, वो मीठा से उन्हें कैंसर होती है, ये बोलना ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो ये मेरे लिए गलत होगा। तो अगर आप मतलब कोई पेस्ट्री दे या कुछ भी मीठा भी उन्हें चढ़ाए, तो भी आप उसे कौवे को, कोई बर्ड्स को खिला दीजिए। मगर ये चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ, ये आप करके देखिए ज़रूर। कोई भी विश हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपका रिलेशनशिप लेके प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, आप सेंट एक्सपेडिट को बस कॉल करके देखिए, मन से बुला के देखिए, उनके पास अपना
जो प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं वो कह के तो देखिए, बस एक बार करके देखिए और फिर देखिए आपको क्या कमाल हो जाता है आपके लाइफ में। मतलब मैं खुद करके ये अपने विश्वास से, अपना भरोसे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। मेरे साथ इस वीडियो, मतलब मेरा चैनल में काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो नया ये वीडियो देख के जुड़ेंगे आगे, उन सबको मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सेंट एक्सपीरियंस का जो मैं कह रही हूँ वो करके देखिए। इसके लिए तो आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, ना मुझे ना किसी और को, सिर्फ केवल एक मोमबत्ती की ज़रूरत है, केवल एक गिलास पानी की ज़रूरत है। अगर इतना से आपको सच्चे प्रेयर से आपका मन्नत पूरा हो जाए, इससे और क्या चाहिए। तो आप आज ही इसे कीजिए और मुझे बोलना भूलिएगा नहीं कि आपको किस तरह से और क्या मदद उन्होंने किया है। तो ये वीडियो देखने के लिए सबको ढेर सारे थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन मैं सेंट स्पिरिट के बारे में मैं ज़रा सी शेयर करना चाहूँगी और अपना जो लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सब शेयर करना चाहूँगी। और आप भी जैसे मैंने कहा है, इसे आज ही करके देखिए। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगी, हमेशा आप एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखिए, आप एक थैंक यू का, मतलब हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद बोलिए, आप यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए, सेंट एक्सपीरिट को धन्यवाद बोलिए, आप अपने इष्ट देवता या आपका कल्चर में जो भी आपका भगवान है आप उन्हें थैंक यू बोलिए। और हर रोज़ ये जब आप प्रेयर कीजिएगा एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि जो भी आपको मिला है उसके लिए आप उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। ये जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं जो भी आपको मिला है, जितना भी आपको हर रोज़ मिल रहा है उसके लिए, जब भी आप यूनिवर्स के पास थैंक यू कहते हैं ना, यूनिवर्स आपको दुगना करके वापस देते हैं। जब भी आप एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रखते हैं कि आपको जो मिला है उसके लिए आप उनके पास ऋणी हैं, उसके लिए आप उनके पास धन्यवाद देते हैं, तो आपका जो विशेष है ना वो भी यूनिवर्स आपको जादू की तरह ठीक कर देती है, मतलब जादू की तरह पूरा कर देते हैं। और सेंट एक्सपेडाइट तो खुद ही एक जादू है। मेरे लाइफ में मुझे इनका, मतलब इनके बारे में जानने का मौका मिला, मेरे लिए वही ब्लेसिंग्स है। और इन्होंने मेरे लिए जो किया है वो एकदम, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं बस आप सबके साथ शेयर करके, जब आपको इनका ब्लेसिंग्स मिलेगा, जब आपको इनके बारे में पता लगेगा और आपका विशेस पूरा होना शुरू हो जाएगी, तो मैं भी खुद को बहुत बहुत, मतलब मैं फील करूँगी कि आई एम सो ब्लेस्ड। तो ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर हो सके तो कमेंट बॉक्स में रिजल्ट बताइए। थैंक यू एंड गुड बाय।